हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दामोदर राव और आज काफ़ी दिनों के बाद रिदम म्यूजिक स्टूडियो में आप लोग की चहेती गायिका नंदिनी तिवारी जी आई हुई हैं और आज इनका गाना रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल प्रणाम। बहुत सारा गाना आप लोगों ने सुना है इनका, बहुत सारा पसंद भी किया है और बहुत सारा हिट भी है। यहाँ भी साई रिकॉर्ड्स में भी बहुत सारा गाना इनका चला है, आप लोगों का प्यार दुलार मिला है और हम चाहते हैं कि आज का भी जो गाना जो रिकॉर्ड हुआ है उसको भी अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा गाना है। दो गाना रिकॉर्डिंग हुई आज और आज 3 तारीख है, 3 सितंबर 2020। बिल्कुल साई बाबा का दिन है, विष्णु भगवान का गुरुवार है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि इनकी काफ़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुंदर गाई हैं। मैं गाना सुनवाऊंगा, एक लाइन में सुनवाता हूँ। दिल को चुरा के सपने दिखा के, दिल को चुरा के सपने दिखा के, परदेसी कब आएगा, हाथों से अपने मेहंदी लगा के, हाथों से अपने मेहंदी लगा के, कब मुझे दुल अभी म्यूजिक के पूरा तैयार नहीं है, रिलीज होगा तो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये गाने का मुखड़ा था, अब आप लोग सुन लीजिए कि कितना अच्छा गाई हैं नंदिनी जी। और बहुत सारा गाना इनका रिलीज है, आप लोगों ने अपना प्यार दुलार दिया है, बहुत सारा कमेंट भी किया है, तो इस गाने को भी ज़रूर सुनिएगा। दो गाना इनका आज रिकॉर्ड हुआ है। और फिर मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोरोना जो है अभी भी है, धीरे धीरे कम हो रहा है उसका प्रभाव, बशर्ते लोग तो अपना काम धंधा शुरू कर दिए हैं, लेकिन सावधानी के साथ बाहर जब निकल रहे हैं तो मुंह पे मास्क लगा रहे हैं और थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। इसलिए आप भी कहीं जाइए तो मास्क ज़रूर लगाइए। हम लोग इसलिए नहीं लगाए हैं कि घर में अभी बैठे हैं स्टूडियो में, और और सैनिटाइजर भी किए हाँ, हैं मुंह का नहीं हाथ का किए हैं। तो हाथ मुंह का जब है ही नहीं कोरोना तो फिर बात ही क्या। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि कोरोना नहीं है, और लेकिन अभी बाहर कोरोना है, कहीं भी जाइए मास्क लगाइए और थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए और अपना ख्याल रहिए, घर पे सैनिटाइज करते रहिए, हाथ हाथ धोते रहिए, काढ़ा पीते रहिए, भाप लेते रहिए, विटामिन सी खाते रहिए और गिलोय और चौन ठीक है आंवला का जूस भी पीते रहिए आप लोग, च्यवनप्राश भी खाते रहिए और गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कपालभाति कीजिए और अनुलोम विलोम भी करते रहिए थोड़ा सा, और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। अभी भी है, धीरे धीरे कम हो रहा है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। नंदिनी जी आप कुछ बात कर लीजिए। सबसे पहले सभी को प्रणाम करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ दामोदर सर को, जो हमें बार बार मौका देते हैं अपने म्यूजिक पे गवाते हैं। और काफी अच्छा म्यूजिक भी है, मतलब मार्केट में क्या बोले, एकदम धूम मचा हुआ है इनके नाम का। इन्हें लगता है कि कोई इनको जानता नहीं है, लेकिन हर जुबान पे दामोदर जी का इतना रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके चरणों में हूँ, अरे बस ऐसा कुछ मत गीत कीजिए, हमें गवाते हैं, इतना प्यार दुलार और बहुत सीख देते हैं। मतलब आप जब ब्राह्मण भी जाति हम के हैं, ब्राह्मण जाति लोग हमारे लिए बहुत ही जी पूजनीय हैं, नहीं हमारे लिए और हमारे खानदान, हमारे पूर्वजों के लिए भी पूजनीय रहे हैं शुरू से ही और आगे भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ऐसा मत कहिए, सब आदमी अपने आप में उस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के वरदान है, ईश्वर का अंश है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस वक्त की बात है, कोई आज छोटा होता है, कई कोई कल बड़ा हो जाता है, तो समय है, चक्र है, चलते रहता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और नंदिनी जी आगे बढ़ें, अच्छा अच्छा गीत गाएँ, हमारी शुभकामना है ये आगे निरंतर बढ़ते रहें, बहुत ऊँचा नाम प्राप्त करें, इनके द्वारा राष्ट्र का नाम ऊँचा हो, हमारी शुभकामना है, सदैव इनके जी, साथ धन्यवाद। रहेगी। और बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही अच्छे कलाकार, हमारे करीबी मित्र के गोस्वामी जी का आज जन्मदिन है,
आज उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो के गोस्वामी जी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।